थे। और थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना पर भी प्रहार किया, सरकार को घेरा, उस पर अनुराग ठाकुर ने क्या जवाब दिया सुनते हैं। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से आता हूं हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे, चार परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से दो कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं क्या कहता हूँ, जी हाँ, जो लंबे समय से मांग थी वन रैंक वन पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहाँ पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूँ, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदस्य साहब अपनी बात, सभापति महोदय, तो सुना आपने क्या कहना है अनुराग ठाकुर का, अग्निवीर को लेकर के सवाल किया, सरकार को घेरा अखिलेश यादव ने और उसके भविष्य के लिए सीधा सवाल कर लिया, ये कहते कि मैं बैठ रहा हूं, आप खड़े होकर बताएं कि अग्निवीर योजना कितनी सही है। इस पर अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, बैठिए बैठिए, सभापति महोदय, जहां तक रुक जाइए, सभापति महोदया, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वाहें फैलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं, आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदय, आपका समय सभापति महोदय, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूं, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप, अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए प्लीज, बजट पर सभापति जी, दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए, वो वीडियो हमने देखा है, कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना, माननीय सदस्य, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय, अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप बजट पर पूरी अपनी बात रखिए। सभापति महोदय, अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी चर्चा रखिए, जब भी सत्ता में आएंगे साल दो साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य, और देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहाँ बैठे मिलोगे। और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे। माननीय सदस्य, हम यहाँ छूट गए, वो चले गए। कंप्लीट करिए सभापति महोदय, मैं एक दो तीन बातें कहता हूँ यूपी को लेकर के, मैं मांग करता हूँ। कंप्लीट करिए आप। सभापति महोदय, चंबल एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो 1,00,000 करोड़ का बना है वो दिल्ली मुंबई से है, और यूपी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप। गंगा को लेकर के सब चिंतित हैं,
गंगा की सफाई अभी नहीं हुई है, जो बजट गया पता नहीं कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। जैसे पानी बहा वैसे ही बजट भी चला गया। दूसरा, क्योंकि मंत्री जी बैठे हैं, वो जानते होंगे मंत्री जी कि देश की सबसे अच्छी लाइन सफारी बनी है इटावा में, और उस लाइन सफारी को बनाने में हम लोगों को बहुत समय लगा, क्योंकि एक लाइन सफारी एनिमल सफारी अगर बननी हो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत जगह से परमिशंस लेनी पड़ती हैं। हम लोगों को परमिशंस नहीं मिली, और क्योंकि वो प्रोजेक्ट अच्छा है, एशियाटिक लाइन्स की ब्रीडिंग शुरू हो गई वहाँ पर। ये सरकार इसलिए नहीं शुरू करना चाहती है क्योंकि वो समाजवादियों ने बनाई है। पहली बार देश में एशियाटिक लाइन्स पैदा हो रहे हैं, नहीं नहीं वहाँ पर इटावा में पहली बार हो रहे हैं, और वो इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं। और वो शेर मैं बता दूँ आपको, शेर आया था कि कोई और आया था, वो आप वो कहानी में नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर, फिर मैं बोल दूंगा तो फिर कहोगे कि क्या बोल दिया मैंने, इसलिए मत बुलवाइए तो ये अच्छा है कि कुछ तो धन्यवाद माननीय बने रहे, धन्यवाद, कुछ मत बुलवाइए मुझसे। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइन सफारी एनिमल सफारी उस क्षेत्र की यूपी की प्राइड है, वो कि पहली बार ब्रीडिंग सेंटर एसेटेक वहां पर बन गया है। दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार मिलकर के उसको शुरू नहीं होने दे रही है। तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कुछ इशारों में तो कुछ साफ साफ बहुत सारे मुद्दों पर घेरते नजर आ रहे थे।